गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज टूडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन इन विच वी विल डिस्कस ऑल द इशूज एंड इवेंट्स विच हैव नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। टूडे वी विल डिस्कस मेनली फोर इशूज। द फर्स्ट इशू इज इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। द सेकेंड इशू इज वॉट इज कैलिफोर्नियाज न्यू एंटी डीप फेक्स बिल एंड इट कैन इट स्टॉप मैनिपुलेटेड पॉलिटिक्स एड्स। द थर्ड इशू इज वर्किंग वुमेन्स डबल शिफ्ट एंड द फोर्थ इशू इज नंबर ऑफ राइनोज स्लाइडली इंक्रीजेज बट सो डज थ्रेट ऑफ पोचिंग। सो लेट्स डिस्कस ऑल द इशूज इन डिटेल। इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। The Supreme Court of India earlier this month dismissed a public interest litigation PIL related to central government to be directed by Supreme Court to stop exporting defense equipment to Israel as Israel is allegedly committing war crimes in Gaza. Supreme Court के अंदर एक PIL register की गई थी और ये जो PIL थी ये specially Supreme Court सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि वो इजराइल के लिए जो डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस एक्सपोर्ट को स्टॉप करने के लिए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि वो इस तरह के सिचुएशन में जहाँ पर इजराइल गाजा के अंदर वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है ऐसा इंडिया को नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड यहाँ पर PIL सबमिट की गई थी बट सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को अर्लियर दिस मंथ डिसमिस कर दिया है। द टॉप कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरवीन बिकॉज फॉरेन पॉलिसी इज नॉट इट्स डोमेन। सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को इसलिए रिफ्यूज कर दिया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फॉरेन पॉलिसी इसके डोमेन में नहीं आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि वो इजराइल के लिए डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं आता है। व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ रिगार्डिंग आर्म्स एक्सपोर्ट। आर्म्स एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग इंटरनेशनल लॉ क्या क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटी रिलेटेड टू आर्म एक्सपोर्ट इज द आर्म्स ट्रेड ट्रीटी एम्ड एट रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन कॉन्वेंशनल आर्म्स। वर्ल्ड लेवल पर आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है रिगार्डिंग आर्म्स एक्सपोर्ट। ये ट्रीटी इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्वेंशनल आर्म्स का एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है। इट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कॉन्वेंशनल आर्म्स का ट्रेडिंग किया जाएगा या एक्सपोर्ट किया जाएगा वो सभी आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। आर्टिकल 6(3) ऑफ आर्म्स ट्रेड ट्रीटी बार अ कंट्री फ्रॉम सप्लाइंग कॉन्वेंशनल आर्म्स इफ दीज आर्म्स वुड बी यूज टू कमिट वॉर क्राइम्स। अगर कोई कंट्री अदर कंट्री के लिए आर्म्स एक्सपोर्ट करता है और अदर कंट्री उस आर्म्स का मिसयूज करता है वॉर क्राइम्स के लिए मिसयूज करता है तो इसकी सप्लाई को आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के अकॉर्डिंग बैन किया जा सकता है। आर्टिकल 7 ऑब्लिगेट्स स्टेट्स टू असेस वेदर द कॉन्वेंशनल आर्म दे एक्सपोर्ट वुड बी यूज्ड बाय इंपोर्टिंग कंट्री टू कमिट अ फैसिलिटेट अ सीरियस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। आर्टिकल 7 के अंडर ये ऑब्लिगेट किया गया है कि कॉन्वेंशनल आर्म्स जो किसी एक कंट्री के द्वारा अदर कंट्री के लिए अगर एक्सपोर्ट किए गए हैं तो उस कंट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसका असेसमेंट करे कि इम्पोर्टर कंट्री कहीं उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा है और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को कहीं वायलेशन तो इसमें नहीं हो रहा है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। स्पेशल चीज इसके साथ यह है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। एज अ रिजल्ट दिस ट्रीटी इज नॉट बाइंडिंग ऑन इंडिया एंड कैन नॉट बी जुडिशियली इनकॉर्पोरेटेड दो सम प्रोविजंस ऑफ द आर्म्स ट्रेड ट्रीटी रिफ्लेक्ट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। बिकॉज इंडिया ATT का सिग्नेटरी नहीं है और इसकी वजह से इंडिया के ऊपर किसी टाइप का बाउंडेशन नहीं है। इट मीन्स इंडिया एक्सपोर्ट आर्म्स का अदर कंट्री के लिए कर सकता है।
फ्यू कंट्रीज हैव कर्ब्ड डिफेंस एक्सपोर्ट टू इजराइल। इजराइल के लिए कुछ कंट्रीज ने डिफेंस एक्सपोर्ट को कर्ब किया है। सम कंट्रीज हैव कर्ब्ड डिफेंस एक्सपोर्ट टू इजराइल। नंबर वन, अ कोड इन नीदरलैंड ऑर्डर द डच गवर्नमेंट टू ब्लॉक द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल F-35 फाइटर जेट पार्ट्स टू इजराइल। नीदरलैंड की एक कोर्ट ने डच गवर्नमेंट के लिए एक ऑर्डर रिलीज किया है, और इस ऑर्डर के अंडर ये प्रोविजन किया गया है कि इसराइल के लिए F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स का एक्सपोर्ट ब्लॉक किया जाना चाहिए। द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर इज अ यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन विच प्रोहिबिट मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट टू अ कंट्री इफ देर इज अ क्लियर रिस्क दैट द रेसिपियंट कंट्री वुड यूज सच इक्विपमेंट टू वायलेट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। नीदरलैंड की कोर्ट ने जो ये ऑर्डर डच गवर्नमेंट के लिए रिलीज किया है, स्पेशली इसराइल के लिए F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स को एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड, इट मीन्स एक्सपोर्ट को यहाँ पर बैन किया गया है इस ऑर्डर के अंदर। इसका जो बेसिस है वो यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन इसका बेसिस है। यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि अदर अगर कोई अदर कंट्री इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन करता है इस तरह के इक्विप मिलिट्री इक्विपमेंट का यूज करके, तो उस कंट्री के लिए इस तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट का जो एक्सपोर्ट है उसको प्रोहिबिट किया जाता है। नंबर, यूनाइटेड किंगडम्स गवर्नमेंट एक्टिंग अंडर द एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट रिव्यूड इजराइल्स कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कंसर्निंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा। यूनाइटेड नेशंस के अगर यूनाइटेड किंगडम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ की गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के अंदर ये इवेल्यूएट किया है कि जिस तरह से इजराइल का गाजा के अंदर वॉर चल रहा है, इसमें ह्यूमैनिटेरियन लॉ का कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है। इसने ये फाइंड आउट किया कि इस कंट्री के लिए, इट मीन्स इजराइल के लिए वेपन्स का एक्सपोर्ट क्लियरली एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इफ सर्टेन आर्म्स आर एक्सपोर्ट टू इजराइल दे वुड बी यूज टू कमिट और फैसिलिटेट सीरियस वायलेशंस ऑफ IHL। अगर इस तरह के आर्म्स का इजराइल के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसकी वजह से ये IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का सीरियस वायलेशन हो सकता है और इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। लीगल गैप इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो आर्म एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो लॉ है और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एक्ट है, इसके बीच में लीगल गैप शो हो रहा है। देर इज नो रेगुलेशन इन इंडियन लॉ इक्विवेलेंट ऑफ यूके एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट और यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस। इंडियन लॉ के अंदर यूके एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के इक्विवेलेंट और यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस के इक्विवेलेंट इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है। देर इज रिक्वायरिंग एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ऑब्लिगेशन इन डिसाइडिंग वेदर टू एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट टू इजराइल। जिस तरह से इंडिया ने इजराइल के लिए डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि IHL के ऑब्लिगेशन के कंप्लायंस के साथ इस तरह के जो एक्सपोर्ट है इसराइल जैसे कंट्री के लिए जो कि गाजा के अंदर वॉर कमिट कर रहा है, क्या ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अकॉर्डिंग है। द इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 रेड विद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दियर डिलीवरी सिस्टम एक्ट 2005 एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है। इसके लिए यहाँ पर टू एक्ट्स वर्क करते हैं, इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दियर डिलीवरी सिस्टम एक्ट 2005। इन एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर वेपन्स के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने की यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है। सेक्शन 35 एंड 2I ऑफ WMDA वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट एंड फॉरेन ट्रेड एक्ट दिस सेक्शंस इन इंडियाज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस अंडर एनी बायलेटरल मल्टीलेटरल और इंटरनेशनल ट्रीटी कोवेंट कॉन्वेंशन। सेक्शन 3, 5 एंड 2I MWDA और FTA के जो सेक्शन है इन सेक्शंस के अंदर इंडिया का कोई भी बायलेटरल मल्टीलेटरल और इंटरनेशनल ट्रीटी कॉन्वेंशन या कोवेनेंट होता है
तो इसके अंदर इंडिया के लिए इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इट मीन्स WMDA और FTA के अंदर कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस इंडिया के लिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट द एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स ड्यू टू इंडिया के इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस। इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस की वजह से इंडिया अपने डिफेंस गुड्स का एक्सपोर्ट प्रोहिबिट कर सकती है। दिस इज द क्लोजेस्ट इंडियन लॉ गेट्स टू कनेक्टिंग द एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स विद इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग डिफेंस गुड्स का एक्सपोर्ट अगर इंडिया करना चाहता है तो उसके लिए क्लोज इंडियन लॉ जो है वो इससे कहीं ना कहीं मैच करता है। इट मीन्स क्लियरली डिफाइन नहीं है कि इंडिया का जो डिफेंस गुड्स का एक्सपोर्ट है उसके लिए क्या इंडिया ऑब्लिगेशंस रखता है। एज पर इंडिया डोमेस्टिक लॉ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनलाइक द यूके एंड ईयू कंट्रीज यूरोपियन यूनियन कंट्रीज नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिव्यू द IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कंप्लाइंस ऑफ द कंट्री टू विच इंडिया इज एक्सपोर्टिंग डिफेंस गुड्स। इंडिया के अपने डोमेस्टिक लॉ के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिस तरह से यूके एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एक ऑब्लिगेशन रखते हैं, और इन कंट्रीज को देखना होता है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कंप्लाइंस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है। बट इंडिया के पास इस तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं है बिकॉज इंडिया का अपना डोमेस्टिक लॉ उसको वेपन्स एक्सपोर्ट करने की कहीं ना कहीं परमिशन देता है। दिस इज अ लीगल गैप। यही है इंडिया और अदर कंट्री यानी ग्लोबली लॉ के बीच में एक लीगल गैप। व्हाट अबाउट इंडिया लाइबिलिटी अंडर द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर इंडिया की क्या लाइबिलिटी है? कॉमन आर्टिकल 1 ऑफ द जेनेवा कॉन्वेंशन विच इज बाइंडिंग ऑन इंडिया ऑब्लिगेट ऑल स्टेट टू रिस्पेक्ट एंड टू इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर IHL। जेनेवा कॉन्वेंशन का आर्टिकल 1 ये सभी ऑब्लिगेट स्टेट के लिए ऑब्लिगेट है और सभी कंट्रीज को कहीं ना कहीं बाइंडिंग करता है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का रिस्पेक्ट किया जाए। इट वॉज हेल्ड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन निकारगुआ वर्सेज यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स। दिस प्रोविजन इम्पोज नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट। जेनेवा कॉन्वेंशन ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा हेल्ड किया गया था और ये स्टेट के लिए एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन भी है। दिस कंट्री आर अंडर ऑब्लिगेशन डू नॉट सप्लाई वेपन्स टू अ कंट्री विच कैन यूज वेपन्स टू वायलेट द कॉन्वेंशन। यही वजह है कि जेनेवा कॉन्वेंशन के रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी कंट्री अदर कंट्री को वेपन्स तब तक सप्लाई नहीं करेगा। इट मीन्स वो वेपन इसलिए सप्लाई नहीं करेगा कि कॉन्वेंशन के अंडर जो वेपन रिलेटेड प्रोविजन है उसका अगर वायलेशन होता है तो वो सप्लाई नहीं करेगा। वेन इंडियाज डोमेस्टिक लॉ द MDMW एंड FTA आर रीड इन लाइट ऑफ इंडियाज IHL ऑब्लिगेशन अ क्लियर ड्यूटी अराइज नॉट टू सप्लाई वेपन्स टू अ कंट्री दैट वुड यूज देम टू ब्रिच इट्स IHL ऑब्लिगेशन बट रेदर देन डिलीवरिंग दिस ऑब्लिगेशन यूजिंग इंटरनेशनल लॉ इट वुड बी बेटर फॉर इंडिया टू अमेंड द WMDA एंड FTA टू एक्सप्लिसिटली असेस द IHL कॉम्प्लाइंस ऑफ कंट्रीज इंपोर्टिंग इंडिया डिफेंस गुड्स। इंडिया के लिए डिफेंस गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ये देखना होगा कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है कहीं उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। अगर वायलेशन हो रहा है तो इंडिया को WMDA और FTA को अमेंड करना चाहिए। दिस वे इंडिया विल शोर अप इट्स क्रेडिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन। इस तरीके से इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर रिस्पॉन्सिबल डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन के तौर पर इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है। व्हाट इज कैलिफोर्निया न्यू एंटी डीप फेक बिल एंड कैन इट स्टॉप मैनिपुलेट पॉलिटिकल एड्स? व्हाट इज इशू? ऑन सितंबर 18 कैलिफोर्निया गवर्नर हैड मेड डीप फेक्स कंटेंट इलीगल इन कैलिफोर्निया बाय साइनिंग अ बिल। सितंबर 18 को कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कैलिफोर्निया के अंदर डीप फेक कंटेंट को एक बिल साइन करके इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। कैलिफोर्निया साइंड 3 पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन टू टेक एक्शन अगेंस्ट डीप फेक और डिजिटली एल्टर्ड कंटेंट इन इलेक्शन कैंपेन दैट कुड बी डिसेप्टिव। कैलिफोर्निया ने अब इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर जो डिजिटली एल्टर्ड कंटेंट का यूज किया जाता है या डीप फेक्स का यूज किया जाता है जो कि डिसेप्टिव होते हैं, इसके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लिया है इसको कंट्रोल करने के लिए।
अबाउट डीप फेक्स, डीप फेक के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डीप फेक्स आर सिंथेटिक मीडिया विच इंक्लूड्स इमेजेज, ऑडियो एंड वीडियो जनरेटेड बाय एआई टेक्नोलॉजी दैट पोर्ट्रे समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी और इवेंट्स दैट हैव नेवर अकर्ड। डीप फेक्स एक सिंथेटिक मीडिया है जिसके अंडर डीप फेक इमेजेज, ऑडियो एंड वीडियोज हो सकती हैं जो कि एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू जनरेट की जाती हैं, और इसके अंदर वो भी पोर्ट्रेट कर दिया जाता है जो कि एग्जिस्ट नहीं है रियलिटी में, और इवेंट दैट हैव नेवर अकर्ड। कुछ ऐसे इवेंट्स भी जनरेट कर दिए जाते हैं जो नेवर अकर्ड यानी कभी हुए ही नहीं। टर्म डीप फेक्स कंबाइंड डीप टेकन फ्रॉम एआई डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी एंड फेक एड्रेसिंग दैट द कंटेंट इज नॉट रियल। डीप फेक टर्म का जो यूज किया जाता है, ये डीप प्लस फेक को कंबाइन करके यूज किया जाता है। इसमें डीप का मतलब है एआई डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी एंड फेक का मतलब है दैट द कंटेंट इज नॉट रियल। इट मीन्स डीप फेक का मीनिंग हुआ एआई डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज करके जब अनरियल कंटेंट क्रिएट किया जाता है उसको हम डीप फेक बोलते हैं। डीप फेक्स कैन क्रिएट पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट एंड कैन फेक रियल पीपल सेइंग एंड डूइंग थिंग्स दे डिड नॉट से और डू। डीप फेक एक ऐसा सिंथेटिक मीडिया है जिसके थ्रू ऐसे पीपल को क्रिएट किया जा सकता है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एंड रियल पीपल को फेक कर सकता है सेइंग एंड डूइंग थिंग्स, ऐसा कहते हुए करते हुए जो उसने कहा नहीं है और उसने किया नहीं है। इट मीन्स रियल पीपल को फेक बना सकता है। द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड डीप फेक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 2017 व्हेन अ रेडिट यूजर विद यूजर नेम डीप फेक्स पोस्टेड एक्सप्लिसिट वीडियोज ऑफ सेलिब्रिटीज। डीप फेक वर्ड का ओरिजिन 2017 में तब स्टार्ट होता है जब एक रेडिट यूजर डीप फेक यूजर नेम से सेलिब्रिटीज का एक्सप्लिसिट वीडियोज पोस्ट करता है। इट मीन 2017 में पहली बार डीप फेक टर्म शो हुआ। हाउ डीप फेक वर्क, डीप फेक किस तरह से वर्क करता है। डीप फेक्स आर क्रिएटेड बाय मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करके डीप फेक को क्रिएट किया जाता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज न्यूट्रल नेटवर्क टू मैनिपुलेट वीडियोज एंड इमेजेज। वीडियो या इमेजेज को मैनिपुलेट करने के लिए डीप फेक्स MLM का यूज करता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स, और इसके अंडर न्यूट्रल नेटवर्क का यूज किया जाता है वीडियोज और इमेजेस को मैनिपुलेट करने के लिए। टू मेक अ डीप फेक्स इमेज ऑडियो और वीडियो ऑफ समवन, अ क्रिएटर वुड फर्स्ट ट्रेन अ न्यूट्रल नेटवर्क ऑन मेनी आवर्स ऑफ रियल वीडियो फुटेज ऑफ द पर्सन टू गिव इट अ रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ही और शी लुक्स लाइक फ्रॉम मेनी एंगल्स एंड अदर डिफरेंट लाइटनिंग। किसी भी इमेज ऑडियो वीडियो का अगर डीप फेक बनाना है तो क्रिएटर न्यूट्रल नेटवर्क को फर्स्ट ट्रेन करता है, और मैनी आवर्स तक जो रियल वीडियो फुटेज है या इमेज है या ऑडियो है उसके साथ उसको कंबाइन करता है। देन क्रिएटर कंबाइन द ट्रेंड नेटवर्क विद कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी टू सुपर इम्पोज अ कॉपी ऑफ पर्सन ऑन टू अ डिफरेंट एक्टर। क्रिएटर जो होते हैं वो ट्रेंड नेटवर्क के साथ और कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजीज के साथ एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है, और इसके बाद एक कॉपी सुपर इम्पोज हो जाती है। करंटली डीफेक्स टेक्नोलॉजी आर बींग यूज फॉर नेफेरियस पर्पजेज लाइक इलेक्शन मैनिपुलेशन। करंटली डीफेक्स का यूज इलेक्शन मैनिपुलेशन के लिए किया जा रहा है, स्कैम एंड हैक्सागन्स के लिए करंटली इसका यूज किया जा रहा है, एंड सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी के लिए इसका यूज किया जा रहा है, साथ में सोशल इंजीनियरिंग, ऑटोमेटेड डिस इन्फॉर्मेशन अटैक, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए आज डीप फेक्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। डीप फेक्स आर डिफर फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन बाय बींग वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एज फॉल्स। डीप फेक्स का यूज अदर फॉर्म्स ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन से इसलिए डिफरेंट है बिकॉज डीप फेक्स के अंदर ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है कि ये फॉल्स है। द थ्री बिल्स साइंड बाय कैलिफोर्निया गवर्नर, कैलिफोर्निया गवर्नर के द्वारा थ्री बिल्स कौन कौन सा साइन किया गया है। नंबर वन AB 2655 डिफेंडिंग डेमोक्रेसी फ्रॉम डीप फेक डिसेप्शन एक्ट ऑफ 2024। नंबर टू AB 2839 इलेक्शन डिसेप्टिव मीडिया इन एडवर्टाइजमेंट। नंबर थ्री AB 2355 पॉलिटिकल रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1974 पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थ्री बिल्स साइन किए गए हैं कैलिफोर्निया गवर्नर के द्वारा। हाउ वॉटर टाइट आर द बिल्स, यूजर कैन नो लॉन्गर डिस्ट्रीब्यूट एड्स और इलेक्शन कम्युनिकेशंस विद मटेरियली डिसेप्टिव कंटेंट इंक्लूडिंग डीप फेक्स।
बिल साइन हो चुका कैलिफोर्निया के अंदर रिलेटेड टू डीप फेक्स। अब यूजर इलेक्शन कम्युनिकेशंस के टाइम पर फेक एड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, और मेटेरियल डिसेप्टिव कंटेंट इंक्लूडिंग डीप फेक्स को अब वहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया गया है। द बिल्स लार्जली एक्सपेंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ रिगार्डिंग इलेक्शन रिलेटेड कंडक्ट। कैलिफोर्निया के अंदर इलेक्शन रिलेटेड कंडक्ट इलेक्शन रिलेटेड लॉ के अंदर कुछ कंडेंट वहाँ पर फिक्स किए गए हैं, उसको एक्सपेंड इन बिल्स के थ्रू उसको एक्सपेंड किया गया है। इट मीन्स इलेक्शन के टाइम पर जो कंपेनिंग होता है वहाँ पर उसके लिए कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उसको कहीं ना कहीं एक्सपेंड किया गया है। प्रिवेंट हाईली अल्टर्ड मीडिया फ्रॉम बींग सर्कुलेटेड फॉर ए स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ डेज बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन इन स्टेट। स्टेट के अंदर आफ्टर एंड बिफोर इलेक्शन के कुछ डेज पहले जो हाईली अल्टर्ड मीडिया सर्कुलेट होती है उसको वहाँ पर प्रिवेंट कर दिया गया है। वर्किंग वुमेन्स डबल शिफ्ट। वाई न्यूज द डाटा पॉइंट पब्लिश्ड ऑन सेप्टेम्बर 23 आफ्टर द डेथ ऑफ अन्ना सेबेस्टियन पेराइल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सो हाउ प्रोफेशनल इंडियन वुमेन वर्क द मोस्ट नंबर ऑफ आवर्स ग्लोबली। कुछ डेज पहले अन्ना सेबेस्टियन पेराइल एक CA का इसलिए डेथ हो गया था क्योंकि ये एक प्रोफेशनल इंडियन वुमेन थी और इसके ऊपर ऑफिशियल वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। इसके बाद एक डाटा पॉइंट पब्लिश किया जाता है वुमेन्स प्रोफेशनल वुमेन्स के वर्किंग आवर्स से रिलेटेड, और ये शो किया जाता है कि ग्लोबली इंडियन प्रोफेशनल वुमेन का वर्किंग आवर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। अन्ना 26 लॉस्ट लाइफ बिकॉज ऑफ वर्क स्ट्रेस एट अर्नेस्ट एंड यंग। दिस इंसिडेंट लीडिंग टू डिस्कशंस ऑन इंक्रीजिंग वर्कलोड ऑफ प्रोफेशनल वुमेन इन इंडिया। अन्ना जो कि 26 ईयर गर्ल थी और वर्क स्ट्रेस स्पेशली अर्न एंड यंग कंपनी के अंदर वर्क स्ट्रेस होने की वजह से इसने अपनी लाइफ लॉस्ट कर ली थी, और इस इंसिडेंट की वजह से इंडिया में प्रोफेशनल वुमेन्स के वर्कलोड से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। इंडिया के अंदर यंग इंडियन वुमेन इन प्रोफेशनल जॉब सच एज ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मीडिया वर्क मोर देन 55 आवर्स अ वीक विच ट्रांसलेट टू 9 to 11 आवर्स ऑफ वर्क एवरी डे। इंडिया के अंदर जितना भी प्रोफेशनल वुमेन हैं स्पेशली ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीडिया सेक्टर में वर्क करती हैं वीकली उन्हें 55 आवर्स से ज़्यादा वर्क करना होता है, और पर डे का अगर देखा जाए तो 9 to 11 आवर्स इन्हें वर्क करना होता है। इंडियन वुमेन आर वर्किंग इन न्यूअर एंड डिमांडिंग जॉब्स दिस डेज। अकॉर्डिंग टू डाटा डिस्पाइट वुमेन अंडर गोइंग मोर स्ट्रेस इन ऑफिस दे ऑल्सो डू अमाउंट ऑफ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क इन हाउस होल्ड। बिकॉज आज मोर एंड मोर वुमेन जॉब करती हैं, और एक डाटा के अकॉर्डिंग ऑफिस का स्ट्रेस होने के साथ साथ वुमेन्स को हाउस होल्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा दिया होता है। फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो उनका जो प्रोफेशनल वर्कलोड है प्रोफेशनल वुमेन का और केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी होती हैं घर की, फैमिली मेम्बर उसमें कॉपरेट नहीं करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ग्राफिकली वुमेन प्रोफेशनल वुमेन का जो ऑफिशियल वर्कलोड है और जो हाउस होल्ड वर्कलोड है उसको हम ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं। अनपेड वर्क इन मिनट्स मेल और फीमेल स्पेशली एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स एंड नॉट इन लेबर फोर्स जितने भी मेल एंड फीमेल हैं उन्हें अनपेड वर्क करना होता है घर के अंदर। स्पेशली पहले अगर एम्प्लॉयड मैन और वुमेन का देखा जाए, मैन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एम्प्लॉयड मैन को 166 मिनट घर पर अनपेड वर्क करना होता है। वहीं अगर वुमेन का देखा जाए तो इन्हें अबाउट 345 मिनट्स हाउस होल्ड वर्क जॉब के साथ करना पड़ता है। इट मीन्स यहाँ पर लगभग 2.5 घंटे हाउस होल्ड वर्क जॉब पर रहते हुए मैन को करना पड़ता है। फीमेल की अगर बात की जाए तो अबाउट 5.5 घंटे उसको हाउस होल्ड वर्क जॉब के साथ साथ करना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए 313 मिनट्स मैन करता है हाउस होल्ड वर्क एंड 376 मिनट्स वुमेन को करना पड़ता है। इसी तरह से इन लेबर फोर्स एंड नॉट इन लेबर फोर्स, नॉट इन लेबर फोर्स की अगर मैन वुमेन के वर्कलोड की बात की जाए अनपेड हाउस होल्ड वर्क 214 मिनट्स मैन को करना पड़ता है एंड 457 मिनट्स वर्क स्पेशली अनपेड वर्क वुमेन को करना पड़ता है।
दिस चार्ट सो एवरेज मिनट्स स्पेंड ऑन अनपेड डोमेस्टिक एंड केयर एक्टिविटी इन डे अक्रॉस मैरिटल स्टेटस इन इंडिया. नेवर मैरिड, करंटली मैरिड एंड विडो, डाइवोर्स एंड सेपरेटेड वुमेन और मैन के द्वारा कितना अनपेड वर्क किया जाता है, ये मिनट्स में यहाँ पर दिया गया है. नेवर मैरिड की अगर बात की जाए तो 184 मिनट्स मेल को वर्क करना पड़ता है, वहीं 259 मिनट्स फीमेल को वर्क करना पड़ता है. द टेबल शो द परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन एज 15 to 59 हु पार्टिसिपेटेड इन सेलेक्टेड एक्टिविटी इन 2019. 2019 में इंडिया के अंदर मैन एंड वुमेन कितना एम्प्लॉयड थे और अनपेड वर्क कितना परसेंट लोग किया करते थे. रूरल मेल की अगर बात की जाए तो 69.7% लोग थे जो एम्प्लॉयड थे या फिर रिलेटेड एक्टिविटी में इंडल्स थे. वहीं 29% मेल इसमें अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेस किया करते थे. अर्बन फीमेल की अगर बात की जाए तो ओनली 22.5% एम्प्लॉयड थी और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी 93.2% के पास थी. उसी तरह से अर्बन मेल और फीमेल का हम यहाँ पर डाटा दे सकते हैं. टोटल की अगर बात की जाए टोटल मेल में से 70.7% एम्प्लॉयड या फिर रिलेटेड एक्टिविटीज में इंडल्स थे. वहीं 27% मेल अनपेड डोमेस्टिक वर्क में इंडल्स थे. फीमेल की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फीमेल एम्प्लॉयड बहुत कम है. 21.7% फीमेल एम्प्लॉयड है और 91.8% वुमेन को अनपेड डोमेस्टिक वर्क यहाँ पर करना पड़ रहा है इस डाटा के अकॉर्डिंग. चार्ट फोर, परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन एज 15 to 59 ईयर्स हु पार्टिसिपेटेड इन अनपेड डोमेस्टिक वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस स्टेट. ये चार्ट शो कर रहा है कि इंडिया के अंदर मैन एंड वुमेन कितना अनपेड डोमेस्टिक वर्क करते हैं, कितना एम्प्लॉयड है. ईच सर्कल करिस्पोंड टू अ स्टेट और ये सर्कल्स दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं स्टेट को शो कर रहे हैं. इंडिया के अंदर जितना भी स्टेट है उन्हें शो कर रहे हैं. शेयर ऑफ मेल्स एम्प्लॉयड परसेंटेज, मेल एम्प्लॉय का परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है. इसमें हम देख सकते हैं कि 60 से 80% जो मेल हैं वो एम्प्लॉयड हैं ज़्यादातर स्टेट में. यहाँ पर हम देख सकते हैं शेयर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयड, बात अगर फीमेल एम्प्लॉयड की जाए तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ओनली 10 to 40% वुमेन ही और स्टेट के अंदर एम्प्लॉयड है. शेयर ऑफ मेल्स हु डिड अनपेड डोमेस्टिक वर्क, हम देख सकते हैं 10 to 40% मेल ऐसे हैं जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क करते हैं. वहीं इसके अपोजिट अगर देखा जाए फीमेल जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क करती हैं 85% वुमेन ज़्यादातर स्टेट में अनपेड वर्क उन्हें करना पड़ता है. नंबर ऑफ राइनोज स्लाइटली इंक्रीज बट सो डज थ्रेड ऑफ पोचिंग. वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 सितंबर ईच ईयर. द राइनोज पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड हैज इंक्रीज स्लाइटली. ईच ईयर 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है. इट मीन्स संडे को वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया गया था. और ये देखा जा रहा है कि राइनो का जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड लेवल पर वो स्लाइडली इंक्रीज हो रहा है. बट किलिंग्स आर इंक्रीजिंग मोस्टली इन साउथ अफ्रीका एंड पोचिंग फेड बाय ह्यूज डिमांड फॉर राइनो ऑन्स रिमेन अ टॉप थ्रेड. बट साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री के अंदर किलिंग्स राइनो का इंक्रीज हो रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोचिंग जैसे इंसिडेंट हो रहे हैं. और पोचिंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राइनो का जो हॉर्न है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये एक टॉप थ्रेट है इस एनिमल के लिए. व्हाट इज करंट स्टेटस ऑफ राइनोज इन वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर राइनो का करंट स्टेटस क्या है. विद ऑल 5 सब स्पीसीज ऑफ राइनो देर आर जस्ट अंडर 28,000 राइनो लेफ्ट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट 28,000 राइनोज लेफ्ट हैं. फ्रॉम 5 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अबाउट पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 लाख राइनोज हुआ करते थे. करंटली 28,000 राइनोज लेफ्ट हैं और अबाउट 5 सब स्पीसीज का ये नंबर है. अ टोटल ऑफ 586 राइनोज वॉज वर किल्ड इन अफ्रीका इन 2023, मोस्ट ऑफ दैम इन साउथ अफ्रीका विच हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन ऑफ राइनोज एट एन एस्टिमेटेड 16,056. साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा राइनोज पॉपुलेशन है, अबाउट 16,056 राइनोज साउथ अफ्रीका के अंदर है. और अफ्रीका नेशंस के अंदर स्पेशली साउथ अफ्रीका के अंदर है 2023 यानी लास्ट ईयर अबाउट 586 राइनोज को किलिंग किया गया था. किलिंग इंक्रीज फ्रॉम 551 रिपोर्टेड इन 2022 अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अकॉर्डिंग 2022 में राइनोज का
किलिंग 551 हुआ था, जबकि 2023 में ये नंबर और भी इंक्रीज हो गया था, 586 राइनोज को यहाँ पर किलिंग किया गया था। नंबर ऑफ वाइल्ड राइनोज इंक्रीज फ्रॉम 15,942 इन 2022 टू 17,464 इन 2023 बाय ब्लैक एंड ग्रेटर वन ऑन राइनो स्टेट एट द सेम। वाइल्ड राइनोज की अगर बात की जाए, 2022 में 15,942 राइनोज थे, जबकि 2023 में 17,464 राइनोज इनका नंबर इंक्रीज हुआ है। ब्लैक राइनो एंड ग्रेटर वन ऑन राइनो की अगर बात की जाए तो इनका जो नंबर है वो स्टेट है सेम है। अनदर सब स्पीसीज द नॉर्थन वाइट राइनो इज टेक्निकली एक्सटिंक्ट विद ओनली टू फीमेल्स बीइंग किप्ट इन अ सिक्योर प्राइवेट कंजर्वेंसी इन केन्या। नॉर्थन वाइट राइनो की अगर बात की जाए, स्पेशली यहाँ पर फाइव सब स्पीसीज होती हैं, वाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेटर वन और राइनो, नॉर्थन वाइट राइनो। नॉर्थन वाइट राइनो की अगर बात की जाए तो ये एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है और पूरा वर्ल्ड के अंदर इसके टू फीमेल्स एनिमल्स यहाँ पर बची हुई हैं। इन्हें केन्या के अंदर प्राइवेट कंजर्वेंसी में रखा गया है। इंडिया स्टेटस ऑन राइनो, इन इंडिया मोर देन 2,850 राइनोज वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द लास्ट सेंसस ऑफ द एनिमल इन 2022। इंडिया की अगर बात की जाए, 2022 जो लास्ट एनिमल सेंसस किया गया था उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 2,850 राइनोज हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व हाउस एन एस्टिमेटेड 2,613 ऑफ दीज एनिमल्स, फॉलोड बाय पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 107 है इसके अंदर एंड औरंग नेशनल पार्क 101। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा राइनो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के अंदर है 2,613 यहाँ पर राइनोज हैं। इसके बाद पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 107 राइनोज हैं, औरंग नेशनल पार्क के अंदर 101 राइनोज हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है 233 एंटी पोचिंग कैंप्स। बिकॉज काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर 233 एंटी पोचिंग कैंप्स बनाए गए हैं, यही वजह है कि 2016 से लेकर अब तक यहाँ पर जो राइनो का पोचिंग है वो काफ़ी डिक्रीज हुआ है। दिस इज वाई काजीरंगा एंड अदर प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स ऑफ वन ऑन राइनोसेरोस इन आसाम रिकॉर्डेड एन 86% ड्रॉप इन पोचिंग ऑफ द हर्बीवोर सिंस 2016। यही वजह है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जो पहले पोचिंग हुआ करता था बहुत ज़्यादा, 2016 के बाद हर्बी वॉर्स का पोचिंग यहाँ पर 86% तक डिक्रीज हुआ है। पोचर्स किल 190 राइनोज बिटवीन 2000 एंड 2021। 2020 से 2000 से लेकर 2021 तक अबाउट इंडिया के अंदर पोचर्स के द्वारा 190 राइनोज को किल किया गया है। सो थैंक्स।